हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आई होप यू लुक गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड इट्स रिलेटेड स्टैटिक जीके ऑफ 14th of February। एंड अगर आपको इस सेशन का पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ जाकर के आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उन्हें जॉट डाउन करके उन्हें करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रह रहे होंगे, तो अपने रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में, एंड कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट न्यूज़ है, बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसने भी रिसेंटली एक न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड बनाया जाएगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज। तो जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बनाया जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड, जो कि लॉन्च किया गया है एज अ न्यू फंड ऑफर। और किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। अब जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कुछ स्टैटिक जीके। तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ हैं मोहित भाटिया। द नेक्स्ट न्यूज़ है, क्वाड कंट्रीज लॉन्च्ड क्वाड साइबर चैलेंज फॉर इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी। तो जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है क्वाड साइबर चैलेंज। तो आपको ये याद रखना है। एंड क्वाड कंट्रीज़ आपकी कौन कौन सी हैं? क्वाड मीन्स तो जानते ही हैं फोर। सो फोर कंट्रीज़ वो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। एंड इन्होंने ही लॉन्च किया है क्वाड साइबर चैलेंज। सो ये जो दैट ग्रुप मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एसोसिएशन, यानी कि ये जो ग्रुप था क्वाड कंट्रीज़ का जो ग्रुप था, वो कब मीट हुआ था 2017 में? कब मीट हुआ था? आसियान में मीट हुआ था। एंड द 2020 क्वाड समिट वॉज हेल्ड इन जापान एंड द नेक्स्ट वन विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको उनके वेन्यूज़ भी मिल गए हैं कि 2022 वाला जो क्वाड समिट है वो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। एंड नेक्स्ट वन यानी कि जो 2023 वाला है, वो क्वाड समिट कहां होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज एस्टैब्लिश्ड लिथियम इनफर्ड रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन द सलाल हैमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लिथियम इनफर्ड रिसोर्सेज जो हैं, जो कि कितने टन्स की हैं, 5.9 मिलियन टन्स की हैं, ऐसा एरिया फाउंड किया गया है सलाल हैमान एरिया, जो कि है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको याद रखना है सलाल हैमाना एरिया जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? रियासी डिस्ट्रिक्ट है। एंड ये जो अनाउंसमेंट है वो किसने करी है? बाय द माइन सेक्रेटरी जो कि हैं विवेक भारद्वाज एट द 62nd मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग। तो ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी है विवेक भारद्वाज जी ने, जो कि हैं माइन सेक्रेटरी। उन्होंने अनाउंसमेंट की है 62nd मीटिंग जो कि है सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की, वो कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई है। तो अगर आपसे वेन्यू पूछ लेते हैं इस मीटिंग का, तो वो भी आपको याद रखना है कि वो कहाँ का है? दिल्ली का है। अब हम कुछ जान लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1851 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल। डायरेक्टर जनरल है एस राजू। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, द तेलंगाना गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये न्यूज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे पिछले सेशंस में, तो यहाँ पे आपका रिवीजन ही हो गया है। तो ठीक है, तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उसने रिसेंटली मेमोरेंडम साइन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको ब्रीफ नहीं दूंगी। तो तेलंगाना के कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, कैपिटल है हैदराबाद, नेशनल पार्क है मृगवानी नेशनल पार्क, केबीआर नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? पखाल लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतुरनंगरम,
सेंचुरी, ठीक है? तो ये याद रखनी है आपको स्टैटिक जीके। द नेक्स्ट न्यूज है, इन 2022 द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रपोज्ड 81 करोड़ फॉर मुथमजी अरिकनर डॉक्टर कलिकनार पेन मॉन्यूमेंट इन द बे ऑफ बंगाल। तो 2022 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किया था 81 करोड़ का बजट फॉर मुथमजी अरिकनर डॉक्टर कलिकनार पेन मॉन्यूमेंट। ये एक मॉन्यूमेंट के लिए किया था जो कि कहाँ बनने वाला है, बे ऑफ बंगाल में बनने वाला है। और ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगा तमिलनाडु कोस्ट से, दैट इज 360 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा तमिलनाडु कोस्ट से। और कौन से स्टेट में बनने वाला है, तमिलनाडु के स्टेट में। और प्रपोज अमाउंट कितना है, 81 करोड़ है। और किसके लिए है, मुथमजी अरिकनर डॉक्टर कलिकनार पेन मॉन्यूमेंट के लिए है जो कि बे ऑफ बंगाल में बनने वाला है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से रिलेटेड ये करंट अफेयर। द नेक्स्ट स्टैटिक जीके जान लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। गवर्नर है आर एन रवि, चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, कैपिटल है चेन्नई, डांस है भरतनाट्यम कराकत्तम, नेशनल पार्क्स हैं मुदुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुंदी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मरीन नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, कलाकत एंड करिकली एंड विदांथंगल बर्ड सेंचुरी, एंड टाइगर रिजर्व कौन सी है, अनामलाई टाइगर रिजर्व है। तो ये स्टैटिक जीके है तमिलनाडु से रिलेटेड। द नेक्स्ट न्यूज़ है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ ₹20 लाख फाइन ऑन एयर एशिया इंडिया फॉर वायलेटिंग एप्लीकेबल DGCA सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। तो DGCA जो है, जो कि है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने भी रिसेंटली इम्पोज किए हैं ट्वेंटी लाख का फाइन इम्पोज किया है एयर एशिया इंडिया पर। और क्यों इम्पोज किया है, क्योंकि उन्होंने वायलेट करी है DGCA सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स को वायलेट किया है। इसकी वजह से DGCA ने उन पर 20 लाख का फाइन इम्पोज किया है। तो आपको याद रखना है DGCA ने इम्पोज किया है, किस पे किया है, एयर एशिया इंडिया पे किया है। एंड किस लिए किया है, DGCA सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स को मीट ना करने की वजह से उन पे 20 लाख का फाइन इम्पोज किया गया है, ठीक है? देन नेक्स्ट हम DGCA से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, मिनिस्टर कौन है, सुरेश प्रभु जो कि एविएशन मिनिस्टर है सिविल एविएशन। द नेक्स्ट न्यूज़ है, क्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस ग्रू 24% टू रुपीज़ 15.67 लाख करोड़ फॉर दिस फिस्कल द फिनेंस मिनिस्ट्री। तो क्रॉस डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ा है 24% तक बढ़ा है, जिसका अमाउंट कितना है 15.67 लाख करोड़ तक का अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है इस फिस्कल ईयर में। तो आपको याद रखना है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना बढ़ा है, 24% बढ़ा है, एंड अमाउंट कितना है 15.67 लाख करोड़। द नेक्स्ट न्यूज़ है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ द स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो जो इसरो है उसने भी रिसेंटली लॉन्च किया है सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ली है, किसकी, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SSLV-D2 है। और कहाँ से हुई है, कौन से लॉन्च पैड से हुई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है इसरो ने लॉन्च किया है सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट, किसका, SSLV-D2 का, कहाँ से, फर्स्ट लॉन्च पैड जो कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। देन नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं, इसरो से रिलेटेड। कब फाउंड हुआ था, 15th of August 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, चेयरमैन है श्रीधर सोमनाथ। सो इसरो जो है वो नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, और किसके अंडर ऑपरेट होती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। द नेक्स्ट न्यूज़ है, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स कॉल्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। सो जो क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज है उन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है अब वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट जो कि टू वे कैपेबल मैसेजिंग सैटेलाइट सोल्यूशन होने वाला है स्मार्टफोन्स का। सो प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है उनके टू वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन के लिए, जिसका नाम क्या है, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। और ये कहाँ लॉन्च की गई है, एट द कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक शो जो कि हुआ है 2023 में। सो ये आपको याद रखना है, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, और कहाँ पे लॉन्च किया है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 में लॉन्च किया है। अब क्वालकॉम से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ था, 1985 जुलाई में। हेडक्वार्टर है सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। CEO है क्रिस्टियानो एमोन। द नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज रिसेंटली कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड by the Indian UK Achievers Honours in London for his contribution to economic and political life।
तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के थे जो कि हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें कन्फर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, जो कि है इंडिया और यूके का अचीवर्स ऑनर्स लंदन में। और उसके लिए उन्हें किस लिए मिला है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के। तो किनको मिला है, मनमोहन सिंह जी को मिला है, और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स करके है। एंड कहाँ पे मिला है, लंदन में मिला है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। द नेक्स्ट न्यूज़ है TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक इंडिया की कंपनी है, उसका नाम आया है फॉर्च्यून की मैगजीन लिस्ट में। सो फॉर्च्यून की मैगजीन लिस्ट में नाम किसका आया है, TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज। तो वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज का अवार्ड किसे मिला है, TCS को मिला है, और ये नाम उसका किस में आया है, फॉर्च्यून की मैगजीन लिस्ट में नाम आया है। अब TCS से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं। CEO है राजेश गोपीनाथन, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडर है फकीर चंद कोहली GRD टाटा, एंड कब फाउंड हुआ था, 1st of April 1968 में। द नेक्स्ट न्यूज़ है नागालैंड गवर्नमेंट एंड पतंजलि फूड्स लिमिटेड हैव साइंड अ MOU फॉर डेवलपमेंट एंड एरिया एक्सपेंशन अंडर पाम ऑयल कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर जोन 2 ऑफ नागालैंड अंडर द नेशनल मिशन ऑफ ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। तो नागालैंड गवर्नमेंट और जो आपकी पतंजलि फूड्स लिमिटेड कंपनी है, उसने भी रिसेंटली मेमोरेंडम साइन किया है, MOU साइन किया है, किस लिए, एरिया एक्सपेंशन, यानी कि जो डेवलपमेंट एरिया जो है उस एरिया को बढ़ाने के लिए जहाँ पे पाम ऑयल का कल्टीवेशन होता है, उस एरिया के एक्सपेंशन और उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने MOU साइन किया है। किसने साइन किया है, नागालैंड गवर्नमेंट ने और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने साइन किया है। तो ये आपको याद रखना है। एंड अब जान लेते हैं कुछ स्ट्रैटेजी के नागालैंड से रिलेटेड। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं घोसू बर्ड सेंचुरी, रंगापर रिजर्व फॉरेस्ट, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पुली बेट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको याद रखनी है स्ट्रैटेजी के नागालैंड से रिलेटेड। द नेक्स्ट न्यूज़ है द ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन हैज साइंड एन MOU विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू कोलैबोरेट ऑन टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन जो है, उसने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है CII के साथ में, जो कि है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ताकि वो कोलैबोरेट कर सकें टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो जो भी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने वाले हैं, उसके लिए कोलैबोरेशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन और किसके बीच में, CII, दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब हम स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अब सबसे पहले देखते हैं, कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज, गवर्नर जनरल है डेविड हल्ले। देन CII के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, वो नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एडवोकेसी ग्रुप है, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका न्यू दिल्ली में है। कब फाउंड हुई थी, 1895 में फाउंड हुई थी। तो ये नॉन गवर्नमेंटल है, ट्रेड एसोसिएशन है आपका, सो ये याद रखना है आपको। द नेक्स्ट न्यूज़ है ऑस्कर एंड ग्रामी विनिंग कंपोजर, पियानिस्ट, अरेंजर एंड प्रोड्यूसर बर्ट बेकरेज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 इन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑस्कर और ग्रामी अवार्ड विनिंग कंपोजर, पियानिस्ट और अरेंजर जो हैं, जो कि थे बर्ट बेकरेज, वो उनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 94। तो आपको याद रखना है कि ये जो थे वो कंपोजर थे, पियानिस्ट थे, अरेंजर थे एंड प्रोड्यूसर थे बर्ट बेकरेज, एंड ये ऑस्कर एंड ग्रामी विनर भी थे। द नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या, आपको 6 न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स की लिस्ट में दे रही हूँ, जो कि अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं, एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। सो लेफ्टिनेंट जनरल केवल्या त्रिविक्रम परनायक जो हैं, वो कहाँ के बनाए गए हैं गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश के बनाए गए हैं। देन नेक्स्ट लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं, उन्हें सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। CP राधाकृष्णन को गवर्नर बनाया गया है। झारखंड का शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का गवर्नर। गुलाबचंद कटारिया को बनाया गया है असम का गवर्नर, एंड जस्टिस रिटायर्ड S. अब्दुल नज़ीर को बनाया गया है आंध्र प्रदेश का गवर्नर। तो ये आपको लिस्ट याद रखनी है, क्योंकि रिसेंट में अगर कोई भी गवर्नर या कुछ भी अपॉइंट होता है, तो अपने आप में ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको याद रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसे मिस ना करें।
तो आई होप हम लोगों ने काफ़ी सारी न्यूज़ कवर कर रखी हैं एंड आई होप आपके लिए सेशन यूज़फुल भी रहा होगा। एंड स्टिल कोई भी न्यूज़ रह जाती है तो मैं उसे PDF में कंक्लूड करा दूंगी ताकि आपके कोई भी न्यूज़ मिस ना हो। तो इसी तरह डेली सेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे भी पता चले आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं एंड कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।